Hey guys, welcome back to my channel Indian Health Badal Upreti. Guys, आज मैं बात करने वाला हूँ साहिल खान सेरू जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ. एक वीडियो आया है मेरे सामने अतुल भाई का. कोई अतुल भाई है मैं तो खैर उनको जानता नहीं. मैंने सकल से शायद उनको कहीं देखा है बट मैं उनको जानता नहीं हूँ. तो उन्होंने वीडियो बनाया है एक IHFF ओलंपिया के बारे में. वो पोस्ट किया था तो मुझे कहीं से आया था वो वीडियो. तो मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ कि अतुल भाई जो बोल रहे हैं क्या वो सही है. सबसे पहले तो गाइस इस वीडियो को आप देखिए कि ये वीडियो में जो उन्होंने बोला है सही है. उसके बाद फिर मैं आपसे बात करूंगा कि क्या उन्होंने सही बोला है या गलत बोला है. हाय, आई एम अतुल. पंजाब के एक बड़े छोटे ही शहर फाजिलका से बिलोंग करता हूं मैं, जो बहुत ही छोटा है. कई लोगों ने तो नाम भी नहीं सुना होता उस शहर का. चलो मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ. आजकल जो इतनी कॉन्ट्रोवर्सी चलती है तो इस कॉन्ट्रोवर्सी के चलते थोड़ा सोचा मैं भी बोल लूं. मैं वैसे कभी नहीं बोलता. मेरा तो फॉलोवर भी 1400-1500 का है यार. मतलब इंस्टा भी मैं इतना नहीं करता. लोग मुझे कहते हैं तू क्यों नहीं करता, इतने मेडल हैं तुझे करना चाहिए. बट रियलिटी है हम एथलीट के पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इंस्टा कर सके. तो या तो मैं किसी को मैनेजमेंट के लिए उसे दे दूं या कुछ. एनीवेज जो भी है, तो मैंने देखा आज का जो टॉपिक चल रहा है साहिल खान भाई और शेरुबा जी. कुछ दिन पहले ना मैंने शेरुबा जी को मैसेज किया था इसलिए सब देखते हुए भी. साहिल भाई ने प्लास्टिक आर्ट बोल दिया. अरे मैंने मैसेज किया इनको, मैंने कहा शेरू भाई हम आपके साथ हैं. प्लास्टिक आर्ट कैसे बोल दिया उस बंदे ने, उसको क्या पता जिस बंदे के पास एक मेडल नहीं है क्या लेवल होता है, इसको कमाने के लिए कितना हार्ड वर्क लगता है, ये वो बहुत. मतलब उनको मैसेज किया मैंने इस ढंग से, सॉरी साहिल भाई, मतलब जो सुना था. तो उसके बाद उनका कोई रिप्लाई नहीं आया. वो रिप्लाई नहीं करते कभी, मैंने देखा है उनको. वो रिप्लाई नहीं करते, बस लाइक करके छोड़ देते हैं. और मेरे मैसेज तो वो लाइक भी नहीं किया था वैसे उन्होंने. तो उसके बाद थोड़े दिन वो चलता रहा, मैं देखता रहता था, जब टाइम मिलता था देख लेता था. तो कुछ फिर ये थोड़े दिन पहले ही मैंने एक वीडियो देखा साहिल भाई का. अब जब ये लाइव हो गए, तो जब ये लाइव हुए तो मैंने एक चीज देखी कि इन्होंने वो सब प्रूव किया कि प्लास्टिक कार्ड में किसको बोल रहा था और कहने का मोटिव क्या था, बनाया क्या जा रहा है. यार उस हिसाब से तो वो ठीक है, उनके पास ना प्रूफ भी है हर चीज का. मेरे ख्याल से वो हर एथलीट की रिस्पेक्ट तो करते हैं. देखो और फिर एक ढंग से देखा जाए तो उन्होंने प्लास्टिक कार्ड प्रो कार्ड को नहीं बोला. प्रो कार्ड तो यार मेरे ख्याल से IFBB वाले नहीं, आजकल बहुत सी एसोसिएशन आ गई है. जैसे थोड़े दिन पहले था FIF और इन्होंने भी एशिया में ले जाके कई लोगों को प्रो कार्ड दिलवाए हैं कई एथलीट्स को. तो प्रो कार्ड मतलब प्लास्टिक कार्ड नहीं उन्होंने बोला. उनका कहने का मतलब है हम एथलीट ही प्लास्टिक कार्ड है लाइक ATM. तो ये तो सही भी है. मैं शेरुबा जी की बात नहीं कर रहा, मैं तो आजकल हर एसोसिएशन को बोलूंगा बिजनेस करते हैं साले. मतलब अगर क्यों करते हैं आजकल हर चीज में ये बिजनेस ढूंढते हैं. एथलीट का कोई फायदा नहीं सोचता, कुछ नहीं सोचता, बिजनेस. हम रियल में हम एक ATM है. और फिर बात करते हैं जहां से मैं थोड़ा सा नाराज हुआ इनसे. मैं नाराज नहीं था पर मैं हुआ. शेरू क्लासिक 2019 में मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था. मेरे पास ब्रॉन्ज है. तो जुलाई में मेरे पास ब्रॉन्ज आया. उसके बाद मैंने सोचा मैं ओलंपिया मेजर के लिए फाइट करूंगा तो मुझे वहां पे प्रो कार्ड मिलेगा शायद. तो वहां पे मैं गया तो सर भाई 20,000 रुपये नहीं लगते वहां जाने के. पहली बात तो ये है कि मैंने वहां जाने के लिए सबसे पहले 12,000 रुपये पे किए. ठीक है, फिर मुझे ये शौक था कि अब मुझे ऑफिशियल हुडी मिलेगी जिसपे ओलंपिया लिखा होगा ये वो. तो पता चलता है अब वो भी बंद कर दिया इन्होंने. क्या पता इनका खर्चा कुछ ज्यादा होने लगा है हुडी को लेके. चलो जी हुडी बंद होगी. फिर हम वहां गए तो फिर वहां पे एक और चीज सुनने को आई, प्रो टैन आपको लगाना पड़ेगा. तो मैंने कहा नो डाउट, ठीक है हम प्रो टैन लगाएंगे. क्योंकि प्रो टैन लगाने में हम सारे वैसे ही एक्सपर्ट थे, पुराने हैं. तो प्रो टैन का क्या है यार, 2600 रुपये का प्रो टैन आता है क्विक ब्रॉन्ज. और शो टाइम लास्ट पे लगाते हैं शाइनिंग के लिए, और वो भी तो लगाते हैं अगर आपका रंग मेरे जैसा थोड़ा सा मतलब डार्क ना हो. तो वहां पे हमें जाके पता चलता है कि आप अपना प्रो टैन बाहर से लाके भी लगा नहीं सकते. ये ऑफिशियल पार्टनर है तो इनको ही लगाना है. ये तो गलत हो गया थोड़ा सा कि मतलब वो प्रो टैन जिसकी हम बात कर रहे हैं 12-12 कंपटीशन खेल चुके हैं, पिछले शेरू क्लासिक में खरीदा था, तो
तो अभी भी वो अभी भी बड़ा होगा थोड़ा सा, तो मतलब इतना चलता है वो। और इन्होंने एक कोड लगाना है और हमसे लेने हैं 6,000 रुपये, फॉरनर से लेने हैं 7,000 रुपये। और चलो पे किया, मैंने कहा देखते हैं भाई, इतनी रजिस्ट्रेशन फीस भर के, इतना प्रो टाइम के पैसे भर के हम लाइन में खड़े होके वेट कर रहे हैं अभी हमारे एक कलर लगाए, हमारे एक कलर लगाए। और एक बॉडी बिल्डर ना मेरे ख्याल से लास्ट नाइट पे इतना डाउन होता है वो, कि उसको जीतने का इतना होता है नेक्स्ट डे का, कि वो पानी भी होल्ड कर लेता है, वाटर होल्ड कर लेता है, कुछ कम कर लेते हैं और कुछ ग्लूकोज पे चलते हैं, पर फिर भी आप में इतनी एनर्जी नहीं होती कि आप 3 घंटे एक लाइन में खड़े होके रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म लेके फिरते हो, यार हमें रजिस्ट्रेशन का दे दो, और फिर उसके बाद आप प्रो टेन के लिए खड़े हो, यार हमारे कलर लगा दो। ठीक है चलो जी, हमने ये सब किया, उसके बाद क्या हुआ, मैंने वो पे कर दिया 12 और 6 18,000 रुपये। 18,000 रुपये फिर मुझे वहां से कुछ खाना था, तो अब मुझे डाइट खानी थी। मैं पंजाब से मुंबई गया, पहली बार तो पंजाब से मुंबई गया, ऐसा दुनिया में कोई एथलीट नहीं है जो लास्ट के 3 दिन पीक पे होने के बावजूद ट्रैवल करे, वो भी इतना 3 दिन का कंटिन्यू ट्रैवल। फिर क्या करना पड़ता है यार, फ्लाइट फ्लाइट बुक करवानी पड़ती है, तो उसके भी 12 से 13 हजार रुपये लगते ही लगते हैं, मुंबई जाना है भाई। ठीक है फिर मेरा ये खर्चा लगा, चलो जी हम वहां भी पहुंच गए, सब कुछ हो गया। अब मुझे कुछ खाना था, प्रो टैन मेरे लगा दिया उन्होंने, ओवरनाइट कलर, एक दिन पहले ओवरनाइट कलर लगाते हैं, तो ओवरनाइट लगा के अब मुझे कुछ खाना था, मुझे क्रीविंग हो रही थी कि ओ, क्योंकि बर्दाश्त भी तो नहीं हो रहा था ना, 3 घंटे पहले वह रजिस्ट्रेशन लाइन में खड़े रहे, फिर उसके बाद प्रो टैन के लिए खड़े रहे, है ना। तो अब रात को कुछ खाना था, तो मैंने कहा यहीं से कुछ देखते हैं, इन्होंने इतना बड़ा एग्जीबिशन लगवा रखा है, एथलीट के लिए कोई ना कोई ऑफर ही होगा। वो ऑफर तो क्या भाई, मतलब अगर कोई सैंडविच ही था तो वो 20 वाला सैंडविच 100 रुपये का बिक रहा था, और 100 रुपये वाला 200 का। अब फिर ये समझ नहीं आई बात भी, ये क्या हो रहा है, और जो इतने बड़े एग्जीबिशन लग रखे हैं तो हर स्टॉल से ये इतने इतने पैसे लेते हैं, हर बूथ वाले से, जो तो स्टेज के पास है उससे इतने ज्यादा, जो जिसका ज्यादा स्क्वेयर फीट है उससे इतने ज्यादा, उससे इतने ज्यादा, फिर हमसे किस बात के लेते हैं। अगर उनके पैसे भी मिलाए जाए ना, तो मेरे ख्याल से तो जानते ही हो आप कितने होते हैं, कभी किसी बूथ वाले से पूछना तेरे से कितने पैसे लिए गए थे वहां पे बूथ लगाने के लिए, और ज्यादा नहीं, थोड़ा सा स्क्वेयर फीट बस इतना, इसके भी चार्जेस आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। तो चलो जी, इस बात के लिए हम फिर घर आ गए अपने। फिर अगले दिन हम फिर आए वहां पे, तो मैंने विंग विंग अपनी दी थी, मेरे आगे 2 बॉडी बिल्डर 100 kg के थे, मैं 80 kg में खेला था, खेला था तो मिडल वेट था मेरा। तो अगले दिन प्री जजिंग थी, हम प्री जजिंग में पहुंचे, वहां पहुंचे तो मैंने उसको बोला प्रो टेन वाले को, मैंने कहा चल भाई अब मैं स्टेज पे जा रहा हूँ, मेरे शो टाइम लगा दे, शो टाइम हल्का सा स्प्रे लगाते हैं वो, उससे बॉडी शाइन करती। भाई उसने कैसे लगाया, 1 और 2 और उसके बाद हाथ मार दिया, कहता लग गया जा। मैंने कहा तो मुझे बच्चा मत समझ, मैं कहा मेरी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी, तू लगा अच्छे से लगा। और मैंने कहा मेरा रंग वाइट सा आया है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये, तुम इसको डार्क कर दे, ये कुछ नहीं होगा, जो आपने लग गया ये बस लग गया। मतलब 600 रुपये वाला कलर भी उससे अच्छा लग जाता है, ये हालत थी वहां। चलो हम स्टेज पे आ गए, स्टेज पे आके मैंने देखी एक बात कि मैं 80 kg में खेल रहा हूं और मेरे साथ 100 kg वाले 6-7 बॉडी बिल्डर खड़े, तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। अब आप ये ना कहना ना कि मैंने जज किया, नहीं, बॉडी बिल्डर को कभी हम जज नहीं कर सकते, उसका वेट क्या हो सकता है, आफ्टर लोडिंग बिफोर लोडिंग वो कुछ भी कर सकते हैं, हम एथलीट में इतनी होती है कि हम 5 kg तक भी वेट ऊपर नीचे कर सकते हैं अपना खुद का एट ए टाइम। तो मैंने देख के नहीं, उनका मेरे सामने वेइंग हुई यार, 100 kg में मेरे सामने, हमने इकट्ठे वेइंग करवाई है तो मुझे याद था ये तो वही है, तो मैं कुछ नहीं बोला। तो जब प्री जजिंग होगी सब हो गया तो मैं नीचे जा रहा था, तो मैंने इनका जो होस्ट था उसे बोला, मैंने कहा सर आई थिंक दे आर 100 kg, तो वो इतना रूडली बोला, उसका कहना था खेलना है तो खेलो नहीं तो जाओ, यहाँ ऐसे ही होता है। मैं झूठ बोल रहा हूँ शायद, हो सकता है मैं हमें मतलब उनको बोलने के लिए या एसोसिएशन को बोलने के लिए झूठ बोल रहा हूँ, पक्का प्रूफ बताऊं, इंडियन हल्क बादल बोल के गया था ना वीडियो पे वो, अब आप उसी से पूछ लेना, उसका बॉडी वेट ओलंपिया में क्या था और उसे खिलाया किस वेट में गया, इसमें इंडियन हल्क उस बादल की कोई गलती नहीं है। वो चीख चीख के टैनिंग वाले रूम में कह रहा था मैं लाइट वेट बॉडी बिल्डर नहीं हूं, मैं लाइट वेट बॉडी बिल्डर नहीं हूं, मेरा वेट ये है, मुझे उसमें खेलना है,
और वो जो बोल रहा था ना, जो मतलब इनके टीम में होते हैं, वो उसे कहता तेरा तो इसी इसी में लिखा है, तुझे इसी में खेलना पड़ेगा। तो फिर भाई को क्या करता बेचारा, पैसे लगा के, तो वो भी आया था दिल्ली से, तो उसने भी बोल दिया चलो ठीक है, कहता अगर आपको ही नहीं कोई फर्क पड़ता तो मैं उसमें ही खेल लेता हूँ। उस बंदे का शायद अपनी कैटेगरी में नंबर भी आ जाता। अब वो बेचारा हैवी था तो वो लाइट वेट में खेला, मस्कुलर उतना नहीं होता, लाइट वेट और हैवी में फर्क होता है, तो वो बेचारा रह गया। बट आप सोचो उसका कितना वेस्ट हुआ वहां पे, मेरा भी कोई नंबर नहीं आया, पता नहीं क्यों नहीं आया, क्योंकि मैं फाइनल में गया ही था नेक्स्ट डे फिनाले में, क्योंकि मैंने देख लिया था यहाँ क्या चल रहा है। ये मेरा ओलंपिया का एक्सपीरियंस था। उसके बाद हम बात पे आते हैं कि 20,000 पे लगते हैं, नहीं 20,000 नहीं लगते, यहाँ पे 50 की होती है। वो कैसे, 8,000 से शुरू होते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, हम नहीं करवा पाते, हम ऑन द स्पॉट या 2 दिन पहले करवाते हैं, तो हमें 12,000 रुपये पे करना पड़ता है। कोई हमें ऑफिशियल हुडीज बार नहीं दी गई। 6,000 रुपये प्रो टेन की, 12 और 6, 18,000 रुपये बनते हैं। मैं पंजाब से मुंबई आया, मुझे 12,000 लगाने पड़े प्लेन पे, और उसके बाद मैं वहां रहा भी 3 दिन, वो खर्चा होटल का 10,000 रुपये, वो ज्यादा नहीं बोल रहा मैं, 10 बोल रहा हूँ, मतलब जितने मैंने दिए वो 10 दिए थे, मैं इतना लग्जरीज लाइफ में नहीं रहा, तो हमने वो दिए। और उसके बाद हम वहां रहे तो नॉर्मल खा रहे थे, नॉर्मल जो होते हैं ना बॉइल्ड पोटैटोज राइस, उसका भी खर्चा अराउंड 2 से 3 हजार रुपये आ जाता है। यार ये तो 50+ चला गया। और एक ओलंपिया खेलने के लिए ना भाई, आपको सच बताऊं, या ओलंपिया मेजर या शेरू क्लासिक चैंपियन खेलने के लिए आपको 3 महीने नहीं, आपको 7 महीने तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि 3 महीने आपको पैसे जोड़ने होते हैं उसको खेलने के लिए, 4 महीने आपको उसको खुद पे लगाने होते हैं, और 1 महीना उसमें से क्या होता है कि आपको वहां जाने के लिए इधर उधर से अरेंज करना पड़ता है, जिसमें आप कर्जाई हो जाते हो। अगर एक शेरू क्लास ही खेला जाए तो दूसरे के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते। इस टाइम मैं खुद, मेरे ख्याल से मैं जब से मैंने शेरू खेलना शुरू किया, मैंने सारे खेले 2019 से, तो मैं खुद अराउंड 3 लाख रुपए तो मैंने लोगों के देने हैं, और कोई स्पोर्टिव नहीं है, कुछ नहीं है। ये इस बार का गोल्ड है मेरे पास शेरू क्लास से, 1 स्टेप दूर था मैं प्रो कार्ड से, बट इस गोल्ड मेडल के सिवा हमें और कुछ नहीं मिला। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है भाई, सारे एथलीट यू भी है सबको गलत बोलो, और साहिल भाई को तो बिल्कुल ना बोलो गलत नहीं है। अगर शेरू पाजी गलत नहीं है ना, तो साहिल भाई भी कहीं भी गलत नहीं है। अगर वो बोल रहा है तो हम एथलीट के लिए तो बोल रहा है, उसको क्या मिलना यार, उसकी कोई एसोसिएशन नहीं है, कोई वो कॉम्पिटिशन नहीं करवा रहा, कुछ नहीं करवा रहा, फिर भी वो बोल रहा है, वो मतलब अपने आप को, और देखो इतना ओपनली बोल रहा है, मतलब उसका इतना ये पीछे से उठा उठा के कभी कोई क्या बोल रहा है, कभी कोई क्या बोल रहा है। अरे भाई तुमने उससे क्या लेना, वो बोल तो हमारे एथलीट्स के लिए, एथलीट्स के लिए रहा। कभी कोई उठता है जिस बंदे ने जिम, अरे तुम कहते हो बात करते हो, जिस बंदे के क्या कहते हैं जिम की फीस इतनी है तो ये कर दो, हाँ और उसकी है तो ये कर दो, और ऊपर से तुमने ये बोल दिया, अब भी क्या कहते हैं इसकी इतनी महंगी जिम है तो बिल्कुल सस्ती कर दे, है ना यार। जिम से ये कंपटीशन का क्या लेना देना, तुम्हें पता है बॉडी बिल्डर 500 रुपए की जिम में से भी निकलता है, जो 500 रुपए की जिम की नहीं देता होगा वो 300 रुपए वाली जिम में से एक बॉडी बिल्डर निकलता है। तो अब क्या मतलब वो शेरू क्लासी खेलने का सोचता पता क्यों नहीं है, इतने भाई पैसे कहाँ है, मतलब वो हो ही नहीं सकते, अपने पास तो है ही नहीं, खुद सोचो, आप इस चीज को सोचो यार। और ठीक है सारा ब्लेम ना डालो साहिल भाई पे, वीडियो कुछ ज्यादा लंबी होगी मेरे बोलते बोलते, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि इसमें उस बंदे का इतना भी फॉल्ट नहीं है जितना आप बना रहे हो, ठीक है। तो गाइस आपने वीडियो पूरी देखी होगी, मुझे यहां पर किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या हूं क्या नहीं हूं, या मैं किसके साथ जुड़ा हूं या किसके साथ यही जुड़ा हूं, कौन मेरे साथ जुड़ना चाहता है कौन किसके साथ जुड़ना चाहता है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। देखिए सिंपल सी बात है, मुझे ना तो कोई साहिल, मुझे साहिल खान कुछ दे रहा है ना मुझे कुछ शेरू दे रहा है। मेरी लड़ाई यहाँ पर शेरू से साहिल खान से नहीं है, मेरी लड़ाई यहाँ पर सिर्फ इस बात से है कि अगर फिटनेस इंडस्ट्री में इस तरीके से, फिटनेस इंडस्ट्री में या एथलीट्स का इस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है तो क्यों ऐसा बनाया जा रहा है, क्यों हम लोगों से इतना पैसा लिया जा रहा है, और क्यों उसके बाद अपने बंदों को जो है प्रो कार्ड या जो भी दे रहे हैं वो लोग अपने बंदों को देते हैं। मैंने कई बार, मैं जब दिल्ली में भी हुआ था तब भी यही बात मैंने देखी थी कि अपना बंदा जो बाहर खड़ा है, मैं भी बाहर खड़ा था, मेरे को अंदर, मैं लेट हो गया था,
वो बंदा भी लेट हो गया था, उसने प्रोटेस्ट लगाई, उसके बाद वो बंदा ऊपर चढ़ गया। कैसे चढ़ गया, जब मुझे मना किया तो उसको क्यों नहीं मना किया, उसको कैसे अंदर ले लिया? पहली बात, वो कहीं अंग्रेज सा दिख रहा था, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ का कोई स्पॉन्सर, कोई एथलीट था वहाँ का, स्पॉन्सरशिप दी है उसने, किसी कंपनी ने उसको स्पॉन्सरशिप दी है। वो शेरू का खास आदमी है और उसने अपने बंदे को स्टेज पर चढ़ाया। स्टेज पर चढ़ाने के बाद वो गोल्ड, उसके बाद आज उसकी फोटोएं जो है शेरू पाजी या फिर जो भी है IHFF वाले जो है अपने उसमें जो है शेयर करते हैं कि इस प्रो IBB प्रो एथलीट्स बोल के शेयर करते हैं। जो बंदा मेरे साथ बाहर खड़ा था, जो बंदा मेरी इतनी अच्छी फॉर्म थी, इतनी अच्छी फॉर्म थी मेरी, आप मेरी फॉर्म भी देख सकते हो कि मेरी किस तरीके से फॉर्म थी उस समय की, बहुत अच्छी फॉर्म थी मेरी, कंडीशनिंग ओवरऑल टॉप, मेरे को गोल्ड 100% मेरे को पता था कि मेरे को गोल्ड आएगा बॉडी बिल्डिंग में। बट मेरे लेट हो गया किसी कारण, इन्होंने प्रो 10 ड्रीम 10 में ही लटका दिया मुझे, इस तरीके से इन्होंने कन्फ्यूज कर दिया बंदे की, वहीं कन्फ्यूज हो गया, आधे ड्रीम 10 लगा के चढ़ रहे हैं, आधे प्रो 10 लगा के चढ़ रहे हैं। इन्होंने मतलब कोई डिसिप्लिन नहीं, इनका बंदों को ही पता नहीं है कि प्रोटेन अलाउड है या नहीं है। हम उस बारे में उस चीज़ में कंफ्यूज रह गए, प्रोटेन का अरेंजमेंट हुआ नहीं, लेट हो गया। वो बंदा भी मेरे साथ बाहर खड़ा था लेकिन उसको अंदर ले लिया, मेरे मैं बाहर ही बाहर रह गया। क्यों? क्योंकि उसका भाई जो है स्पॉन्सर एथलीट है, वो कोई बहुत बड़ा तोप है वहाँ का, हालांकि उसका पेट बाहर है, वो चीज़ अलग है, बट मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बोलना। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर अतुल भाई के बारे में। अतुल भाई ने एक बात बोली है उसका ओलंपिया के बारे में, कि ओलंपिया में उन्होंने उनको लाइट वेट कैटेगरी में वो थे और मेरा जो कैटेगरी था, मेरा कैटेगरी उनके कैटेगरी में आ गया था, जबकि मेरा हैवी वेट कैटेगरी था। और ये बात मैंने चिल्ला चिल्ला के बोली थी ट्रेनिंग रूम में भी और बाहर भी, मैंने इवन इसके उनसे बात भी करी कि भाई मैं हैवी वेट कैटेगरी में हूँ, उसके बाद भी मुझे क्यों ये लाइट वेट कैटेगरी में खिला रहे हो, क्योंकि मुझे पता है लाइट वेट कैटेगरी में मेरा नंबर आएगा नहीं, क्योंकि मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा हैवी कैटेगरी वाले जो बंदे होते हैं उनकी बॉडी इतनी मस्कुलर नहीं होती, जो लाइट वेट कैटेगरी वाले होते हैं उनकी बॉडी मस्कुलर होती है ज़्यादा, उनका बल्कि शरीर होता है, उनके बॉडी में मसल्स मास ज़्यादा होता है, तो उनकी बॉडी में इतना मस्कुलरिटी नहीं रहती, तो 100% उसको बाहर करेंगे ही करेंगे। बाहर होने का रीज़न ही यही था मेरा कि मेरे को बाहर कर दिया, अब कोई कुछ भी कहे मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? और मेरे साथ कई ऐसे बंदे थे जो बहुत उस मेरे को नहीं लग रहा था कि वो आर मुझे चंडीगढ़ में भी मैंने जब देखा, चंडीगढ़ में मुझे सेम ऐसे ही लगा कि ये तो बंदा बहुत हैवी कैटेगरी का, ये कैसे आ गया? 10 किलो का डिफरेंस लेना पहली बात, अब इतना ज़्यादा पैसा चार्ज करना। अतुल भाई बोल रहे 50,000 रुपये चार्ज करते हैं। अतुल भाई मैं आपकी बात को काट रहा हूँ यहाँ पर, आप पंजाब से हो कहाँ से हो मेरे को नहीं मालूम यार, मैं तो आपको पहली बार देखा, लेकिन मैं आपकी बात को काट रहा हूँ यहाँ पर। आपने 50,000 बोला, सर 50,000 रुपये नहीं लगते, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। मैंने जब IHFF इंडिया जब दिल्ली में हुआ था, मैंने 8 लाख से 9 लाख रुपए बॉडी के अंदर पूरा खर्च किया था। मैं 4-5 महीने पहले से तैयारी, भाई ऐसा नहीं होता कि बॉडी को सीधा काटना स्टार्ट कर दो, आप पहले हल्का सा बॉडी को मस्कुलर करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि हम हमेशा साइकिल चलाते रहते हैं, बॉडी में पहले मसल्स गेन करना पड़ता है, मसल्स गेन करने के बाद उसको 2-3 महीने पहले से उसको जो है सेडेट करना स्टार्ट करना पड़ता है, तब होती है तैयारी। इतना मेहनत करने के बाद आप सोच सकते हो कि कितना मेहनत, आप डाइट का लगा लो, 1200-1200 किलो तो मच्छी आती है यार, 1200-1200 रुपये किलो मच्छी आती है, इतना महंगा है। प्रोटीन हो गया हमारा 15 दिन 10 दिन प्रोटीन नहीं चलता, आइसो प्रोटीन चलता है, BCA हो गया, ग्लूटामाइंड हो गया, क्रिएटिन हो गया, क्रिएटिन तो नहीं लेते उसमें, BCAA, ग्लूटामाइंड, दुनिया भर की चीज़ें, CLA आपका, कार्निटाइन, उसके अलावा दुनिया भर के जो है स्टेरॉइड, दुनिया भर के जो है कितना कितना MG हम जो है हफ्ते में जो यूज़ कर लेते हैं, इसके अलावा दुनिया भर का खर्चा, एक एक साइकिल का खर्चा कम से कम, उसके बाद पेप्टाइड्स हो गई दुनिया भर की जो है, उसका टोटल खर्चा अगर लगाते हैं तो कितना खर्चा आ जाता है महीने का, भाई 1-1.5 लाख रुपये तो महीने में चला जाता है। कितना भी कंट्रोल कर ले एथलीट, कितना भी बचा ले पैसा, तो कम से कम आपका 1 लाख रुपये महीने का लगता ही लगता है। एक प्रो एथलीट की बात कर रहा हूँ मैं, एक बिगनर की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रो एथलीट का इतना खर्चा होता है, ऊपर से धुएं के खाली ये खर्चे नहीं होते, इसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, ये सारे खर्चे को भी जोड़ना है ना, ये खर्चा हम एक ही चैंपियनशिप के लिए तैयारी, ऐसे तो है नहीं कि हम एक चैंपियनशिप के बाद तुरंत दूसरी चैंपियनशिप खेलना स्टार्ट कर दें, वहाँ से अपना ऐसा नहीं होता, सिर्फ एक चैंपियनशिप के लिए हम इतना पैसा खर्च करते हैं, तो 50,000 तो वो खर्च हो रहा है, उसके अलावा बॉडी में जो हमारा पैसा खर्च हो रहा है वो क्या हमारी बॉडी परमानेंट वैसी रहेगी फिर? ऐसा नहीं होता। 50,000 आपने बोल दिया, 50,000 रुपये नहीं, 50,000 तो 1-1 लाख रुपये मेरा जब मैं अभी ओलंपिया में गया था, जब मैं तो 1 लाख से ऊपर मेरा खर्चा हुआ है टोटल, मैं आपको बता दूं, और मैं भी कोई हाईफाई होटल में नहीं ठहरा था, मैं भी कोई, लेकिन 10-12 हज़ार रुपये तो मेरा होटल का चला गया था, बाकी आपका फ्लाइट का टिकट, बाकी उनको जो 12,000 रुपये 11,000 उनको दिया वो चीज़ अलग, 7,000 रुपये उन्होंने मेरे से प्रोटीन के लिए, 6,000 आपने बोला आपको शायद जानता होगा, मेरे को 7,000 रुपये प्रोटीन के लिए प्लस बाकी चीज़ों के, जबकि हमारे पास खुद का सब कुछ था यार, और प्रोटीन लगाई उन्होंने किस तरीके से लगाई आप खुद ही बोल रहे हो अतुल भाई, कि किस तरीके से उन्होंने प्रोटीन लगाई, प्रोटीन लगाने का कोई तरीका नहीं है।
खाली बेकूफ़ बनाओ कंपनी इन्होंने खोल रखी है और कुछ नहीं है। मुझे किसी के बारे में कोई पक्ष नहीं लेना। साहिल खान गलत है, सही है, शेरू गलत है, सही है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो वहाँ पर हो रहा है वो गलत है। मैं उसके खिलाफ़ हूँ और मैं उस हर एथलीट के साथ में हूँ जो एथलीट जो है गरीब है। अब अतुल भाई का 3 लाख रुपए का जो उन्होंने कर्जा देना, वो कहाँ कौन देगा? शेरू देगा या भाई साहिल भाई देंगे? कोई नहीं देगा भाई, वो बेचारे को खुद देना पड़ेगा। वो बेचारा कहाँ से कर्जा लेके आया है? अब साहिल खान की बात कर रहे हो तो साहिल खान कहाँ पर गलत है? वो लड़ रहा है अपने लिए, साहिल खान को क्या फ़ायदा है उससे? साहिल खान का क्या फ़ायदा है? साहिल खान के बारे में आप लोग उल्टी सुलटी बातें करते हो कि यार उसने बंदे ने जो है अकाउंट हैक किया। एक ही वीडियो को आप 10-10, 50-50, 100-100 डेली अपने जो है स्टोरी में अपडेट करते रहते हो कि भाई उसने ये हैक किया, वो हैक किया। भाई जब तुम्हारे तुमको भी जब उंगली की जाएगी ना, तो तुम लोग भी ऐसे ही करोगे जो साहिल खान ने किया। साहिल खान ने गलत नहीं किया, बिल्कुल सही किया मेरे हिसाब से। जो भी किया उसने मेरे को नहीं मालूम, लेकिन जब आपको बार बार कोई उंगली करेगा, बार बार आपको कोई इरिटेट करेगा, इतना मजबूर कर देगा कि आपको केस करना पड़े उसके ऊपर, तो भाई 100% वो भी कुछ ना कुछ करेगा। इसके अलावा जो आप बात करते हो बैंगलोर का, पहले जो उनकी वीडियो देखो सच्ची तरीके से, अच्छी तरीके से, कि बैंगलोर का जो स्कैम जो आप बता रहे हो जिम का, वो ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया बादल चोर है तो आपने मान लिया बादल चोर है। पहले सच्चा गहराई में जाओ अंदर कि उसमें क्या है। अब ऐसा नहीं है कि मुझे शेरू पाजी ने बोल दिया कि भाई तू चिंता मत कर, तेरे को प्रो कार्ड मैं दूंगा, मैं तेरे को प्रो कार्ड दूंगा। अब ऐसा नहीं कि मैं शेरू पाजी ने मेरे को बोल दिया मेरे को प्रो कार्ड देगा, मेरे को जो है उन्होंने वो बोल दिया तो मैं उनके खिलाफ़ अच्छा ही बोलता रहूं, उनके अग्निस्ट न जाऊं। अगर वो गलत है तो उनके अग्निस्ट जाना है, छोड़ो। प्रो कार्ड आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, आपके अंदर हुनर होना चाहिए, आप 10 प्रो कार्ड जीत सकते हो। तो गाइस ये मेरे को बोलना था। आपको मेरी वीडियो कैसे लगी प्लीज़ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। और जाने से पहले इसमें अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आपने इसको सब्सक्राइब करना है, इस पर एक लाइक बटन है, बेल आइकन उसको सेट कर दीजिए, सो दैट जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो होगी आप तक हो जाए। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।